खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां केजरीवाल की नई आबकारी नीति का विरोध लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रही है। अब बुजुर्गों ने भी कहा, दिल्ली के लोगों को तरसा रहा है, दूसरी जगह झूठे वादे बरसा रहा है। वादी नहीं हुआ, तेरा अंकल रहा तब भी नहीं बना, यार साल हो गई है। आपने विधायक जी को बोला था? अब विधायक कौन है? तो गुलाब सिंह यादव है। सब कुछ कर लिया, कोई क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब दे रहे? बोल रहा टेलीविजन बंद है, जिसको भी बोलता है टेलीविजन बंद है। तो आपने पूछा नहीं क्यों बंद है? आपके सारे काम हो रहे हैं, हमारे पेंशन क्यों बंद है? अभी वही तो है, आंधा आदमी कहाँ मरेगा कहाँ जाएगा। बोलते ना कि फिर चुनाव के टाइम में आएंगे क्या पेंशन चलाने के लिए? आपने पूछा नहीं उनसे कुछ भी? नहीं नहीं, पूछने के लिए हम क्या करेंगे, कभी खुद लाचार है। तब तुम्हें क्या देंगे? नहीं नहीं, टाइम होता है ना, एक अभी घर का मुसीबत जो आया हुआ है। हमारा दवाई का लगता है 1000 रुपया आज का, एक दवाई 450 का है, एक 200 कितना का, इसे मेरे को पूरा दिक्कत आया हुआ, सब कुछ कर लिया। दिल्ली के एक बुजुर्ग ने कहा कि 4 साल से उनकी वृद्धा पेंशन नहीं बनी और वे लगातार अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना तो वृद्धा पेंशन बनी और ना ही विधवा पेंशन बन पाई। वृद्धा ने कहा कि झूठ बोलो राज करो गिरोह के मुखिया केजरीवाल और उनके शागिर्द पंजाब उत्तराखंड यूपी में झूठ की बरसात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, इनके झूठों का शिकार लोग जाग चुके हैं।